जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद विकास की गंगा बहने के दावे किए गए थे, मगर कुछ अफसोसजनक तस्वीरें इन दावों की पोल खोलती हैं। हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण तहसील के लोहरना गांव की, जहां के लोगों को पिछले 15 दिनों से पीने का पानी तक नहीं मिल रहा और इस वजह से लोग अब गांव से ही पलायन करने को मजबूर हैं। जुलूस की शक्ल में चलो और एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगाह करेंगे, हमें 15 दिन से कोई पानी नहीं है, हमें इतनी शक्ति आई है कि हम यहां से माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो गए। गांव में ऐसी स्थिति पीएचई महकमे के लापरवाह रवैये के कारण है, जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने कई बार आवाज भी उठाई और पीएचई के कार्यालय पर ताला भी लगाया, मगर इसके बावजूद गांव वालों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है और टूटी हुई पाइपलाइन अपनी बदहाली को रो रही है। आप तमाम निमजुला होकर एक दोहरी जुलूस की शक्ल में चलो और एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगाह करेंगे, हमें 15 दिन से कोई पानी नहीं है, हम दरबदर हो रहे, 6 किलोमीटर दरिया से किनारे से पानी लाकर हमने सिर्फ नफ्समोटी पूरा कर दी, हमारा माल मवेशी दरबदर है, न उनको 15 दिन से पानी है, न हम लोगों को पानी पीने के लिए कोई सहूलत है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था, यही यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उसमें टस से मस्त हो गया, उल्टा यहाँ से जाकर सोगर में हमारे नाली को 2 कनेक्शन और इजरा कर दिया, हमें इतनी शक्ति आई है कि हम यहाँ से माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो गए। गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करते हैं कि हम ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दे। इनकलाफ इनकलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाफ इनकलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएचई डिपार्टमेंट पे लानत, पीएचई डिपार्टमेंट पे लानत, कनेक्शन देने वालों पे लानत, कनेक्शन देने वालों पे लानत, इनकलाफ इनकलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद। लोहरना गांव को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन करीब 45 से 50 वर्ष पुरानी है और जगह जगह पर बुरी तरह से टूटी हुई है। वहीं पीएचई महकमे ने भी अपने कुछ खास लोगों को खुश करने के मकसद से इसमें इलीगल कनेक्शन लगा रखे हैं, जिस वजह से ऊंचाई पर बसे हुए इस गांव में पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले करीब 250 लोगों की जिंदगी पर संकट बना हुआ है, जिसमें बुजुर्ग बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। आप सब लोग क्यों नहीं आते, हमेशा क्यों नहीं आते, ये लोग कहाँ होते हैं? ये लोग ये किश्तवाड़ में हैं, अंकाबल कॉर्पोरेटर कारी वन कार्सी मैक्सिमम 26 जनवरी पेशी कैसा 15 अगस्त हुई बंद बाकी तनखा नहीं मुझे कट पाने आराम से सारे दिन ऐसे नहीं तनखा तो ऐसे नहीं दोनों से हाँ आज को बड़ी बड़ी तनखा अच्छा सर वैसी ड्यूटी यूमन कुलम कुलम 10 to 4 वतन नहीं आता चाहे ताशी सामान है कि जो कोई लाइन पर डैमेज है सो दमो वैसे नहीं कल को ये नहीं बोलना चाहिए चोरी लिए ये को कुंदरा और ना चोरी क्या शी है कल को ये बोलोगे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए हमारे दफ्तर को आप लाभ उठाओ इसको ये आप तो इशू ये थी कल को कोई पूछेगा हमने सिर्फ लाग लगाया पब्लिकली इसको क्या कहते हैं ये एचआर रोल क्या कर जनाब ये सन 2014 में इस गांव के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से एक अतिरिक्त ब्रुहार से लोहरना पाइपलाइन बिछाने की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर विभाग द्वारा डीपीआर भी बनाया गया था, मगर आज तक ना ही वो पाइपलाइन कहीं पर नजर आई है और ना ही उसको लेकर कोई काम किया जा रहा है, बल्कि विभाग अब पुरानी पाइपलाइन भी बंद कर रहा है। तो ऐसे में इस गांव में रहने वाले लोग अब बिना पानी के पलायन को मजबूर हो चुके हैं और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की सोच रहे हैं। इनकलाफ इनकलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाफ इनकलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएचई डिपार्टमेंट पे लानत, पीएचई डिपार्टमेंट पे लानत, कनेक्शन देने वालों पे लानत, कनेक्शन देने वालों पे लानत।
इनकलाफ इनकलाफ। लोहरना गांव से आई इन तस्वीरों को देखकर सिरहन पैदा होती है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद और दारा 370 समाप्ति के बड़े बड़े दावों के बाद भी हम आज तक अपने गांव वासियों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। क्या पीने के पानी से महरूम इन लोगों ने सरकार नहीं चुनी थी? क्या इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया था? और क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? ये कुछ सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर जहन में उठते हैं, मगर इनका जवाब केवल प्रशासन ही दे सकता है।